नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल और आप देख रहे हैं आपकी जन अदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर। खबर मुंबई से आ रही है जहां पर मशहूर फिल्म अभिनेता मोहित बघेल का निधन हो चुका है। सीधी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर आप देख रहे हैं जहां पर मशहूर फिल्म अभिनेता सलमान खान के साथ फिल्म रेडी में अमर चौधरी की भूमिका में किरदार निभा चुके मशहूर फिल्म कॉमेडियन अभिनेता मोहित बघेल का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। जानकारी के अनुसार मोहित बघेल कैंसर की बीमारी से संघर्ष कर रहे थे। मोहित बघेल के निधन के बाद बॉलीवुड में शोक की लहर है। तमाम फिल्म अभिनेताओं ने सोशल मीडिया पर ट्विटर पर मोहित बघेल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही समूचे देश भर में पाल बघेल गड़रिया समाज के एक लौते फिल्म अभिनेता मोहित बघेल के निधन के बाद श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। मशहूर फिल्म अभिनेता सलमान खान के साथ फिल्म रेड्डी में मोहित बघेल ने फिल्म रेड्डी में अमर चौधरी की भूमिका निभाई थी। एक कॉमेडियन कलाकार के रूप में उन्होंने दर्शकों में खूब सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन आज कुदरत को यह मंजूर नहीं था और मोहित बघेल 27 वर्ष की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 7 जून 1993 को जन्मे मोहित बघेल बचपन से ही फिल्म बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाने का उन्होंने सपना देखा था और जिसके बाद वह छोटे मियां एक शो में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, जिसके बाद बॉलीवुड के तमाम सितारों ने उनकी अभिनय को सराहा और उन्हें सीधा बॉलीवुड में एंट्री करने का मौका दिया। लेकिन 27 वर्ष की उम्र में कैंसर की बीमारी से संघर्ष कर रहे मोहित बघेल ने इस दुनिया से अलविदा कह दिया। मोहित बघेल के निधन के बाद देश भर में पाल बघेल समाज के तमाम समाजसेवी एवं नेताओं द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। आपकी जन अदालत न्यूज के वो तमाम दर्शक जो इस समय हमारे साथ इस खबर के साथ जुड़े हैं, उस सभी दर्शक आज सबसे कम उम्र के मशहूर कॉमेडियन फिल्म अभिनेता मोहित बघेल को ब्रह्म श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जय हिंद।